हाय, मैं हूँ प्रशांत, जस्ट ट्यूटर्स से, और आज हम पढ़ेंगे एरिया एंड पेरिमीटर के बारे में। तो इस लेसन में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले हम कुछ वार्म अप क्वेश्चंस करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को अगर ट्राई किया हो, तो मैं इनके आंसर्स यहाँ पे लिख दिया हूँ डिटेल में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पे कन्वर्जन्स है कुछ, जो कि आइडियल कन्वर्जन्स है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में, हम कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एरिया और पेरीमीटर्स के क्वेश्चंस में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का कोर टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आप पढ़ सकते हैं, वी नो दैट अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी डिवाइडेड इंटू 100 स्क्वायर्स ईच ऑफ साइड 1 मिलीमीटर, सिंस 10 मिलीमीटर इक्वल्स 1 सेंटीमीटर। आप इस सेंटेंस को, इस ग्रिड को देख के समझ सकते हैं। अगर ये हम माने कि नीचे की ये एक पूरी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में 10 मिलीमीटर होता है। अगर हम ये सारे छोटे स्क्वायर्स को 1 मिलीमीटर माने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ऐसे स्क्वायर हैं, यानी ये टोटल लेंथ 10 मिलीमीटर है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो पूरी ग्रिड है, इसके अंदर 100 मिलीमीटर स्क्वायर्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो कि 100 मिलीमीटर स्क्वायर टोटल मिलके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रिड बनता है। आप इसे अगर न्यूमेरिकली समझना चाहें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स एरिया ऑफ 100 स्क्वायर्स ऑफ ईच साइड 1 मिलीमीटर। अब इन दोनों के तरफ हम अपनी न्यूमेरिकल इक्वेशंस लिखना शुरू करेंगे। एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, आप नॉर्मली अब देखें तो अगर एक स्क्वायर में बनाऊं जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, तो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, क्योंकि 1 टाइम्स 1 1 होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चूंकि यहाँ पे हम समझें इस बात को कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर की जो छोटे टुकड़े हैं यहाँ पे, इनको हम 100 से गुना कर दें, तो हमें पूरे छोटे स्क्वायर्स की एरिया मिल जाएंगी। तो 100 टाइम्स 1 मिलीमीटर स्क्वायर्ड, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 टाइम्स 100 होता है। तो हमें ये पता चला कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं कि हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट एरिया में भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम 1 मीटर स्क्वायर को जानना चाहें कि ये छोटे में कितना होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर को हम 1 मीटर × 1 मीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर में चूंकि 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और यहाँ भी 100 सेंटीमीटर। अब 100 को 100 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 10,000। तो हमें ये पता चलता है कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर हमें बेसिक कन्वर्जन्स पता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर का, तो हम इसे एरिया में भी इस्तेमाल करके कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे हमें और भी ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर मिलीमीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में बदलो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 स्क्वायर मिलीमीटर, हम इसी को यूज़ करके इसे ब्रेक करके लिखेंगे, चूँकि स्क्वायर मिलीमीटर है, यानी 1 मिलीमीटर × 1 मिलीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि इस 1 मिलीमीटर को हमें मीटर के जगह इस 1 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि हमें आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर में चाहिए। तो हमें इतना पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अब हम इसका उल्टा करेंगे, क्योंकि हमें ये जानना है कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है हमें डिवीजन करना पड़ेगा। तो हम जब 1 को 10,
एक को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0.1 सेंटीमीटर मिलेगा। अब हम 0.1 यहाँ पे लिख देते हैं। अब 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.01 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे एक मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, तो आप देख सकते हैं कि एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो हम अगर ये जानना चाहें कि एक मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे तो होंगे 0.001 मीटर्स, तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे 0.001 मीटर इंटू 0.001 मीटर। और इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो इसके लिए एक तरीका होता है, मैं आपको बताना तो उसका तरीका ये है कि आप 0.001 को 1/1000 के तरीके से समझ सकते हैं, और 1/1000 को 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 × 1 = 1 हो जाएगा, और नीचे 1000 × 1000 अगर हम करेंगे तो हमें 1 मिलियन मिलेगा, क्योंकि हमारे पास 6 जीरो रहेंगे उसमें। तो हम उसे जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1 मिलियन होगा। तो हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इसे डेसिमल में लिखा गया, कितने डेसिमल प्लेसेस पे लिखा गया है, तो होगा 0.000001 स्क्वायर मीटर, यानी काफ़ी छोटा है ये। तो आगे कुछ प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, इसके आंसर्स भी लास्ट में दिए हुए हैं, आप मैच कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ आंसर। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ विजिट जस्ट ट्यूटर्स।